नहि वेरेन वेरानि सम्मन्तिद् कुदाचनम् अवैरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनन्तनो। वेरेन वेरानि, वैर से वैर, कुदाचनम कदाचन, कभी भी नहीं, सम्मन्तिद् यहाँ नहीं शांत होता, नहीं नहीं शाम्यंत इह यहाँ नहीं शांत होता। अवैरेन च सम्मन्ति, अवैर से ही वैर शांत होता है। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। गुरुदेव जी लिखते हैं कि यदि कोई विरोधी हो और ये तय कर लिया हो कि नुकसान पहुंचाना है तो क्या करें, उसकी उपेक्षा कर दें, लेकिन उससे कोई बैर न रखें। उपेक्षा का अर्थ क्या है, उसके विषय में सोचना, चर्चा करना या उससे मिलने का प्रयास है, छोड़ देना। जिसको हम सही रास्ते पर नहीं ला सकते उससे संबंध रखना दुखद होगा। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, अब उनके साथ लड़ो तो फिर ज्ञान गांठी का जाए, अपना नुकसान हो। सुअर होता है ना, उससे जब कोई लड़ेगा, जीत भी जाओगे तो क्या होगा, जीत भी जाओगे तो क्या होगा, कपड़े किसके गंदे होंगे, और उसको तो मजा आएगा, सुअर को तो मजा आता है। ऐसे ही जो पहले ही तुला हो लड़ने के लिए तो उसको तो आनंद आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लड़ने लगे हैं उनसे, उनको उनके प्रति वैर बना लें, नहीं, गुरुदेव जी कहते हैं उससे तो मन वाणी और कर्म से आर्य मौन हो जाना ही शांति का पथ है। न उसके बारे में सोचना है, न बोलना है और न उनसे संबंध बनाना है। हाँ, लेकिन वैर नहीं रखना है, ये नुकसान हो जाएगा। संबंध तो हम नहीं रखते हैं लेकिन उनके प्रति मन में प्रतिक्रिया चलती रहती है, वैर भाव चलते रहता है। लेकिन वैर से वैर शांत नहीं होता है। उसके प्रति हम हित की कामना रखें, सच्चा साधक किसी के प्रति भी अपने मन में वैर नहीं पाल सकता। कई लोग वैर को बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। ये कहानी पहले भी मैंने कही है, उदाहरण है, दो मित्र थे, जिम और जेरी, नाम कोई भी ले लो। दोनों बचपने से मित्र थे, आगे चलकर जब बड़े हो गए, काफ़ी लंबा समय बीत गया, तो दोनों में किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो गया, संघर्ष बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में बातचीत करना बंद कर दिए। 25 साल तक अनबोला रहे। तो जिम अस्पताल में भर्ती हुआ, ऐसा लगा कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। अब उनको लगा अंत में कि गांठ बांध करके मरना, वैर बांध के मरना ठीक नहीं है, बोझ हल्का कर लेना चाहिए। तो जेरी को उन्होंने सूचित किया कि हम दुश्मनी को भूल जाएं और पुनः प्रेम से प्रेम की स्थापना करें। उनको भी लगा सही है, इतने लंबे समय तक बीत गया है, चला गया। गया, दोनों आपस में बात किए, पुराने मित्र थे ही, उन पुरानी बातों को, 25 साल से जो अनबोला रहे और बचपने की बातों को याद करने लगे, सब अच्छी बातें याद हुई। और उन्होंने कहा, जो अस्पताल में भर्ती था जिम ने, कि मुझे क्षमा कर दो और ये दुश्मनी लेकर के मैं
इस संसार से नहीं जाना चाहता हूँ। काफ़ी देर तक बातचीत हुई और जब जेरी जाने लगा, दरवाजे तक पहुँचा, तो जिम पुकार कर कहता है, जेरी सुनो, यदि मैं जिंदा रह गया ना तो यह क्षमा नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार से बैर भाव जीवन को सुखद बनाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता ही है कि कुछ संघर्ष हो, कुछ खलबली हो, कुछ उफान तूफान हो, उनसे कहो शांत रहो, चुप रहो। उद्देश्य होता है शांत रहने का, लेकिन नहीं रह पाते हैं। गुलजार ने बहुत सुंदर कहा है, यू चैन से जीने का मशवरा न दीजिए साहब, अब तो उलझनों में ही जीने का मजा आता है। आप कहते हैं कि चैन से रहो, अब वो मशवरा मत दीजिए, वो सलाह मत दीजिए, अब तो उलझनों में ही जीने में मजा आता है। ऐसा क्यों बना लेते हैं हम अपने जीवन को? क्या इन उलझनों से अलग हो करके जीवन नहीं जिया जा सकता है? जिया जा सकता है। ऐसा क्यों करते हैं? आगे तथागत कहते हैं, परे च न विजानन्ति मैमेत्थ यमामसे, ये च तथ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। परे दूसरे लोग, परे अलग, पर दूसरे लोग, न विजानन्ति नहीं जानते, मैमेत्थ वयम अत्र हमें यहाँ से यमामसे जाना है, ये च तथ तथ तत्र, और जो यह विजानन्ति जानते हैं, ततो ततः तब उनका सम्मन्ति समाप्त हो जाता है, मेधगा कला। दो प्रकार के लोग हैं। वैसे तो जानते सब हैं हम कि इस दुनिया से जाना है, जाना है, लेकिन गहराई से जानना उस चीज को, ये कभी कभी होता है। कब? जब कोई बहुत नज़दीक का आदमी मर जाता है, और वो भी काबिल हो, योग्य हो, जवान हो, तब। लेकिन कब तक के रहता है? कुछ समय तक के, और फिर वही उफान तूफान, फिर वही। इस तथ्य को कि मुझे जाना है, अभी मैं उदाहरण दे रहा था, जब उनको लगा कि मैं मर जाऊंगा तो क्या किया? क्षमा मांगने के लिए बुला लिया। लेकिन फिर क्या कहता है? यदि जिंदा रह गया तो क्षमा नहीं मानी जाएगी। ये बात बनी रहे कि मुझे जाना है, इसके लिए ऐसे ग्रंथों का अध्ययन, ऐसी संगति, ऐसे लोग हों जो इस प्रकार की बातें करते हों, ऐसा वातावरण हो, अध्ययन हो, मनन हो, चिंतन हो। और इस चीज को जब हम भीतर से समझने लगेंगे, तब लगेगा ओफ, जाना ही है, क्यों मैं ऐसा करूं, क्यों ऐसा करूं? हमारा शरीर मृत्यु की तरफ निरंतर खिसक रहा है, क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? नहीं है। गुरुदेव जी यहां लिखते हैं, शरीर, जवानी, स्वास्थ्य, परिवार, धन, पद, स्वामित्व, शासन, प्रतिष्ठा, पूज्यता, गुरुआई, महंती, मठ आदि पाकर लोग उसी प्रकार उनमें भूल जाते हैं जिस प्रकार बच्चे खिलौने में, खिलौने में भूल जाते हैं बच्चे। बस ऐसे ही क्या करते हैं, बड़े जोश खरोश में ममता और बैर में लग जाते हैं। बच्चे तो खिलौने से खेलकर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, परंतु वयस्क मनुष्य प्राप्त वस्तुओं से अपने लिए मन का नरक बना लेते हैं। जीवन निर्वाह की चीजें हैं, साथी भी हैं, वो सहयोगी हैं, लेकिन इन्हीं जीवन निर्वाहिक वस्तुओं को लेकर के, इन्हीं साथियों के को साथ में लेकर के, उनके साथ में जो कला, जो संघर्ष, गुरुदेव जी कहते हैं मन का नरक बनाते हैं। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? परे च न विजानन्ति मैमेत्थ यमामसे, दूसरे लोग मतलब
माया में लिप्त लोगों को यह ख्याल ही नहीं रहता कि हमें इस संसार से जाना है, इसलिए वे राग द्वेष के जाल में उलझे रहते हैं। परंतु ये च तत्थ विजानंति ततो संबंति मेधगा, जिन्हें संसार से चले जाने की याद बराबर रहती है उनके मन का कलह शांत हो जाता है। सब समय मृत्यु को देखता है, वह कैसे कोई पाप कर्म कर सकता है। एक आदमी हो जिसको कहीं वो घूमने गया हो, शाम को पार्क में घूमने गया, अचानक पता चला, किसी ने सूचना दी या फोन आया, घर में आग लग गई। अब वो वहां से घर की ओर भागा चोरों से, तो फिर रास्ते में किसी ने कहा नमस्ते नमस्ते, किसी ने कहा, किसी ने कुछ गाली दिया, कुछ कहा, क्या वो ध्यान देगा? क्या वो ध्यान देगा? कोई नमस्ते कह रहा है उसका उत्तर देने के लिए खड़ा रहेगा? गाली को उत्तर देने के लिए खड़ा रहेगा? एक बहुत बड़ी उनके पास में विजन है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, घर आग लगी है। ऐसे ही जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ये सब छोटी छोटी बातें ऐसे लगेगी जैसे मैं बर्बाद कर रहा हूं अपने को। कहाँ ख्याल रहता है? जिस समय हम लड़ते और झगड़ते हैं, राग द्वेष में उलझते हैं, क्या अपना उद्देश्य याद रहता है? मौत याद रहती है? नहीं रहती है। जो सब समय मृत्यु को देखता है वह कैसे पाप कर्म करेगा? मोही आदमियों की भी जब मृत्यु आ जाती वे लोग भी विनम्र हो जाते हैं, अपने शत्रुओं को बुलाकर उनसे क्षमा मांगते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी घृणित व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों तथा अनुगामियों से कह जाते हैं, मेरे न रहने पर भी शत्रु को पीड़ित करने की चेष्टा करना। श्री गुरुदेव जी लिखते हैं ऐसे भी लोग हुए होंगे। और साहेब जी को तो अच्छी तरह पता था कि बुलाकर कहेंगे उनसे बदला ले लेना। विवेकवान सब कुछ नश्वर तथा छूटने वाला समझकर राग द्वेष से दूर शांति में विराजता है। जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। शत्रुता पाल के न जिए, दुश्मन की संख्या न बढ़ाए। प्रमोद बत्रा ने लिखा है आपके 50 मित्र हैं, यह संख्या कम है। आपका एक शत्रु है, यह संख्या बहुत ज्यादा है। 50 मित्र का होना कम है, एक शत्रु का होना बहुत ज्यादा है। शत्रु बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उसका काम, उसके प्रति भाव बहुत ही नुकसान करने वाला है। इसलिए इस छोटे से जीवन में वह विरोध, दुश्मनी, लड़ाई, झगड़ा, शिकायत में ही जीवन बीत जाता है। अपने लोगों के प्रति शिकायत, कमाल की बात है। जो अंग संग लगे हैं उसके प्रति भी अच्छा भाव नहीं, उनके प्रति भी दूसरे के पास जाकर कहेंगे ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। गुरुदेव जी कई बार कहा करते थे, आते हैं कई गुरु अपनी ही शिष्यों की आलोचना करने लगते हैं, और गुरुदेव जी कहते, मैं कई बार कहते, नहीं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो स्नेह दो, प्रेम दो, क्यों अच्छा नहीं करेगा वो? उनकी आलोचना करें, बुराई करें, डांटे डपटें, तो फिर कैसे कोई आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा रख पाएगा? शिकायत न करें। इससे गिला, इससे गिला किया, कभी उससे गिला किया, औकात यूं ही शिकवा गुजारी में कट गई। जो समय है ये किस लिए है? इसी के लिए कि हम उनकी निंदा करें, उनकी चुगली करें, उसके बारे में बोलें, उसका शिकायत करें।
जब ऐसा करते हैं तो हमारी मन की दशा क्या होती है, और तो बन जाइए आप, क्या वहां तक संदेश जा रहा है, जिसको कह रहे हैं उनके उत्तर क्या बीत रहा है, लेकिन हमारी मानसिक दशा क्या होती है। क्या जिसका मन आनंदित होगा, जिसका मन खिला हुआ होगा, ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। कई बातें तो हम शिकायत में कर भी देते हैं लोगों के बीच, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसे हम अंदर ही बना करके रखते हैं, शिकायत भी नहीं कर पाते हैं उनके लिए। क्या होता है? बहुत सुंदर कहा है किसी ने, बहुत अंदर तक जला देती है वो शिकायतें जो जुबा से बयां नहीं होती। बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो जुबा से बयां नहीं होती। जब आप बाहर नहीं निकाल रहे ना, तो अंदर से और आप भीतर से जैसे लकड़ी के अंदर में घुल लग जाए, कीड़े लग जाए, और अंदर अंदर चलता चला जाए, वो नुकसान पहुंचाता चला जाता है। ऐसे ही कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर से हम बचा करके रखें। क्या हमसे गलतियां नहीं होती हैं? कभी भी हम अकेले में बैठ के अंतर को झांके, जिस प्रकार की गलती सामने वाले से हो रही है, क्या इसी प्रकार की गलती मेरे से कभी हुई है? आज तो मैं परिपक्व हो गया हूं, आज तो जानकार हो गया हूं, तो फिर वो गलती तो नहीं है। लेकिन क्या उससे उसी प्रकार की, उसके बराबरी की दूसरी गलती नहीं है? जिस दिन हम ये सोचेंगे ना, ये गुरुदेव जी यूं ही नहीं कह दिए हैं कि दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जाका आदि न अंत, कबीर हम सब ते बुरे हम ते भल सब कोए, जिन ऐसा करी जानिया मीत हमारा सोए। ये किस लिए है? पाठ करने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए है। इसलिए हम अपनी गलती जब देखने लग जाएंगे तो फिर दूसरों की गलती दिखाई नहीं देंगी। जब भी किसी से गिला करना, सामने अपने आईना रखना। जब किसी का शिकायत करना हो तो पहले आईना सामने रख लो, देख लो अपना चेहरा कि सचमुच क्या हूं मैं। साधना पथ में जब हम चलने लगेंगे, ये सच है कि हम कोई भी एकदम से परिपक्व नहीं हो जाता है। पहले स्थिति हमारी भी वही होती है। आज जो हमको पसंद नहीं है, आज जो क्रियाकलाप हमको पसंद नहीं है, हम उन्हीं से गुजरे हैं। हमारा मन भी कमजोर, हमारे मन में भी शिकायत, हमारे मन भी द्वेष और बैर और प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, घंटों प्रतिक्रिया, कई कई दिन तक प्रतिक्रिया, उलझा उलझा। बातें समझ में आई? प्रयास करो, ध्यान दे। कोई भी साधक ऐसा करने लगेगा, कैसे बदलाव नहीं आएगा, कैसे अपने आप को अलग नहीं कर पाएगा? कचड़े में रह करके जीना, उस बदबूदार स्थिति में रह करके जीना, क्या सुख देने वाला है? नहीं, वो खुद समझेगा। सदगुरु कवि ने पंक्ति कही है, पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। ये दोनों बातें साहब ने क्या कहा है? साधक की मनोदशा को उन्होंने वर्णित किया है, स्वयं भी कहे होंगे अपने लिए। कमाल की पंक्ति है, पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अपने ही जीवन को घात करता था, नुकसान करता था, दूसरों को करता ही था, अपना भी करता था, करता जीवन घात। अब साधना करके, समझ बढ़ा करके, प्रयत्न करके स्थिति को मैंने बदल ली है। तब क्या हो गया? अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। अब वही मन है जो काग की चाल में चलता था, अब वही मन है
अब हंस की चाल में आ गया। मोती चुन चुन का हाथ ज्ञान को ही चुभता है, और तब स्थिति क्या बनती है, अब किसी से भी शिकायत न रही, जाने किस किस से गिला था पहले, अब किसी से भी शिकायत न रही। जब उस दिन पहुंच मन की अवस्था आएगी तो खुद हम महसूस करेंगे, क्या कहेंगे, उफ कितना शिकायत में उलझा रहता था, नहीं ये ठीक नहीं है, समय की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, और अंदर से नकारात्मक भावनाओं का संचार करना कहाँ सुख देने वाला है। अपने ही जीवन में बहुत कुछ है जिस झाड़ झंखार को साफ करना है, न किसी से दुश्मनी हो, न बैर हो, शांत मन, शांत। आगे की गाथा में बहुत अच्छी बात तथागत बुद्ध बताएं कि क्यों ऐसा, हम क्यों नहीं कर पाते इस चीज को, और कैसे कर पाएंगे, इन बातों का भी सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। इसलिए हम सबको इन बातों पर ध्यान देना है, मनन चिंतन करना है कि मैं इससे अलग रहूं। हमारे भीतर जो कचड़े हैं, बहुत कुछ बचा है, इसे जला देना है। बहुत सुंदर किसी ने कहा, वैसे तो मैं सिगरेट नहीं पीता, वैसे तो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर हर आने वाले शख्स से पूछ लेता हूं, माचिस है क्या, माचिस है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूं, बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूं, है कि नहीं है, है, फूंक दो, जला दो, हल्का हो जाएंगे हम, हल्का हो जाएंगे। तथागत बुद्ध का इन दोनों गाथाओं में एक महत्वपूर्ण संकेत है, वैर से वैर नहीं मिटता, इस संसार में शत्रुता रखकर कभी शत्रुता नहीं मिटती, शत्रुता छोड़ देने पर ही शत्रुता मिटती है, यही सनातन धर्म है। जो लोग जानते हैं कि संसार से जाना है, बहुत जल्दी जाना है, ऐसे लोगों की कला शांत हो जाती है, वो कला में उलझते नहीं है, राग द्वेष में उलझते नहीं है, लेकिन जिन्हें लगता है मुझे रहना है, और उन्हीं पद और प्रतिष्ठा को पा करके वो भूल ही जाते हैं कि मुझे संसार से जाना है, ऐसे लोग कला में उलझे रहते हैं। हमें कला से अपने को अलग करना है। सही।